हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल 7SM। तो आपने टाइटल तो पढ़ा होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। ये इंट्रोडक्शन होने वाला है मेरे ऊपर कि मैंने यूट्यूब कुछ चालू किया, मैं कौन हूँ। क्योंकि जो पहला व्लॉग था वो तो एकदम बस फ्लो में बन गया। अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा तो देखो आप, बहुत एडवेंचर था, मेरा लाइफ का पहला व्लॉग था। बहुत ऊपर नीचे हुआ लेकिन बन गया। मुझे पता है कि इतना टॉप लेवल का तो नहीं बना और वो शायद ये वाला व्लॉग भी नहीं होगा। स्टार्टिंग स्टेज है, धीमे धीमे अच्छा होता जाएगा। मुझे पता है क्वालिटी भी थोड़ी लो होगी लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ले लेंगे कैमरा। तो ये व्लॉग जो होने वाला है वो मेरे ऊपर होने वाला है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो बात करते हैं कि मेरा नाम, सो मेरा नाम है मोहम्मद शेजान मेमन। तो जो 7SM है वो 7 मतलब वो नंबर काफ़ी सब पॉजिटिव माना जाता है 7 मतलब। और मेरा जो DOB है उसमें जो मंथ है मेरा वो 7 है, जुलाई। और 7 मेरी मॉम और डैड की एनिवर्सरी भी आती है। और वैसे भी 7 काफ़ी फेमस है नंबर के हिसाब से। और जो 7SM है, SM मीन्स शेजान मेमन, तो इसलिए 7SM। और जो नाम है 7SM, वो मैंने 7SM व्लॉग्स के लिए लिखा क्योंकि ये चैनल पे आगे चल के मैं लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करूँगा। तो वो कब करूँगा मुझे पता नहीं लेकिन करूँगा। तो शायद वैसा नहीं बैठेगा इसलिए मैं सिर्फ 7SM लिखा कि आगे चल के मैं इस पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ और व्लॉग भी बना सकता हूँ। तो अभी तो व्लॉग चलेगा प्रॉपर, आगे चल के मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा जरूर। और YouTube को स्टार्ट किया मैंने क्योंकि मुझे लगता है कि मैं YouTube कर सकता हूँ। जैसे कि YouTube चालू करने के लिए और व्लॉग्स बनाने के लिए मस्ती करना पड़ता है ना कुछ। अगर मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ तो आप तभी देखोगे ना कि मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको मजा आना चाहिए, तभी आप देखोगे। तो मैं शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि भाई स्टार्टिंग के व्लॉग में आपको वो नहीं लगेगा क्योंकि मेरा खुद का स्टार्टिंग स्टेज है, अब कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे। लेकिन हाँ, एक पॉइंट आएगा जब मैं हर एक व्लॉग अच्छे अच्छे बनाते जाऊँगा। और ये जो व्लॉग होने वाला है, स्पेसिफिक जो व्लॉग होने वाला है, ये मैं खुद एडिट करने वाला हूँ। तो मुझे आता नहीं है लेकिन मैं धीमे धीमे सब चीज़ सीखूंगा करूँगा, तो वो हो जाएगा। और ये जो व्लॉग बनने वाला है वो इंट्रोडक्शन के साथ साथ, मेरा कल कॉलेज है मंडे, कल ठीक है, आज संडे, कल मंडे। और मंडे का मेरा कॉलेज, और कॉलेज में कुछ इवेंट होने वाला है और वो इवेंट शायरी और पोइट्री के ऊपर है और मुझे वो चीज़ पसंद है, सुनना और बोलना पसंद है। तो कल मैं देखने वाला हूँ, तो आपको भी वो क्लिप दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या वो इवेंट में हुआ। एक काम करता हूँ, कल कॉलेज पे ही बना लेता हूँ व्लॉग, ठीक है। और आपको शायद पिछले वाले व्लॉग में भारती पसंद आया था, प्रथमेश भारती, अगर मैं वो कल दिखते हैं तो मैं उसको व्लॉग में लूंगा और उसको बताऊंगा कि भाई लोग ने तेरे को पसंद किया है, अभी एक और व्लॉग बनना चाहिए, ठीक है। तो एक और व्लॉग बनेगा, आप कमेंट्स में बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि व्लॉग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मैं अपना कोशिश करूंगा कि, लेकिन आपको भी तो बताना पड़ेगा ना सबको क्या देखना है। तो आप बताओ कमेंट्स में क्या देखना चाहते हो। सो अभी बज रहे हैं कुछ 9:30, संडे है और सुबह मैं आपको मिलता हूँ। सुबह 5 बजे, नहीं 5:30 बजे मैं उठ जाऊँगा शायद, पता नहीं अब देखते उठता हूँ नहीं उठता हूँ, लेकिन 5:30 तक मैं उठ जाऊँगा। तो आपको सुबह मिलता हूँ मैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे कुछ 6:30, मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया था। तो मुझे कल रात को पता चला कि मेरा आज प्रेजेंटेशन है, मतलब मेरे ग्रुप का आज क्लास में प्रेजेंटेशन है और सबसे पहला ग्रुप हम लोग का ही है। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि एक इवेंट होने वाला है शायरी वाला, तो वो 9 बजे होने वाला था और जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो भी 9 बजे ही है। तो मतलब मैं इवेंट तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, प्लस मुझे प्रेजेंटेशन के लिए अभी खोल के PPT खोल के देखना पड़ेगा कि मेरा क्या टॉपिक है और मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे, मैंने खोला ही नहीं था, मुझे इतना पता नहीं है, तो मुझे अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अभी देखते कॉलेज में और क्या क्या होता है, पूरा दिन बचा है मेरी, आज मीटिंग है और मुझे शायद बाहर भी जाना पड़ेगा काम के लिए। तो आपको दिखाते कि आज क्या क्या होगा मेरे साथ, मिलते हैं। सो बाय द वे, मैं SIS नेहरू कॉलेज में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर BCOM BI। BCOM PI मतलब BCOM इन बैंकिंग इंश्योरेंस। सो वही बताना था आपको कि मैं कौन से कॉलेज में और क्या कर रहा हूँ। आपने जो बस देखी थी 55 में आया था, जिसमें आपने जो आपकी क्लिप देखी, वो मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि उस बस में मेरी दोस्त चढ़ नहीं पाई क्योंकि वो लेट है। जो वाली बस छोड़ के वाली बस में बैठना पड़ा। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको पाँच दोस्तों को, आने दोस्तों मेरे साथ है अभी क्षितिज, दिखाता हूँ। क्या हुआ, कितने बजे टाइम?
सुनना हुआ कि नहीं हुआ तुझे? भाई तूने बोला नहीं बोलने के लिए तो नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला, क्या इल्जाम क्या लगा रहे हुए? बोला ना भाई थोड़ा स्क्रिप्टेड होएगा तो चलेगा। मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला गाइस, फालतू बातें बना रहे हैं बस। क्या देख रहे हैं? क्या बारबी? बारबी बारबी को देख रहे? रोहन हो गया पढ़ के? तो आता तो है ना, तेरा टॉपिक क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज। देरी ने उसकी बोल आपने बोला आज ने लास्ट गाइस आप यकीन नहीं करोगे अभी मैं क्या दिख रहा है। मैं अभी कॉलेज का बाहर आया था, कुछ काम था इसलिए, और मैंने अभी क्या देखा ना कि एक जगह है यहाँ पर ताज अबेंडेंट है। ठीक है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है गाइस? अच्छा है मैं पोर्शे फॉर्चूनर i20 वेंटो एक और फॉर्चूनर यहाँ पर वेंटो वैगनार बेलेरो मेरे को सिविक भी दिख रही है वहाँ पर। क्या ही है ऐसी हालत, हेडलाइट निकल गई है, टायर्स पंचर है ऑलमोस्ट, पूरी गाड़ी की हालत कैसी हो गई है। इतना दिल दुख रहा है ना मेरा, इतना दिल दुख रहा है ना, पता नहीं पर नहीं लेना चाहिए। अगर तुमको नहीं जमता ना ये सब कार्स लेने का तो मत ही क्या करो, ऐसी हालत मत क्या करो कि भाई देख के किसी का दिल दुख जाए। मैं घर पे कुछ 3 बजे आया था, जैसे मैं घर पे आया वैसे मैं घर पे आके सो गया, तो 3 बजे से लेके मैं 7 बजे तक सोता ही रहा। इतना नींद आया था ना मेरे को क्योंकि कॉलेज का काम और बाकी सब चीजें देखने के बाद बहुत नींद आ गई थी मेरे को। मैं घर पे आके सो गया, मैं 7 बजे उठा, उठने के बाद मैं फ्रेश व्रेश हुआ 8 बजे तक, तो मेरे को लगा कि भाई व्लॉग एंड नहीं किया है तो व्लॉग एंड करना पड़ेगा ना। तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा? और सब्सक्राइब करो क्योंकि आप नेक्स्ट व्लॉग तभी देख पाओगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। लाइक करो क्योंकि लाइक करने के बाद ही मेरा वीडियो थोड़ा सा आगे चल पाएगा, पुश हो पाएगा यूट्यूब पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा व्लॉग्स पुश हो। और ये वाला व्लॉग अच्छा था, मतलब सही कंटेंट मिल गया मेरे को, मेरा प्रेजेंटेशन भी हो गया, मेरा जो काम था वो भी हो गया, मीटिंग्स भी हो गई, और मेरे को पता है जो शायरी वाला इवेंट हुआ था उसमें मुझे एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया था, लेकिन मेरे को एक टाइम पे दोनों चीज संभालना था इसलिए मैं एक ही चीज कर पाया, तो मैं फिर शायरी वाला इवेंट नहीं कर पाया, तो मेरे को प्रेजेंटेशन देना पड़ा क्योंकि प्रेजेंटेशन इंटरनल्स 20 मार्क्स का था, मुझे वो देना ही पड़ा। बाकी तो आपने देखा कि कॉलेज में कितनी मस्ती हुई, और जो लास्ट में हुआ था पोर्शे के साथ अबेंडेंट वाला सीन, जो बाकी कार्स भी थी, वो मुझे देख के इतना बुरा लगा ना कि भाई अगर तुम नहीं ले सकते तो मत लिया करो, कि इतनी महंगी गाड़ी लेके भी अगर तुम्हें ऐसे हालत में खड़ा करना है तो मतलब नहीं बनता फिर। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। आपको व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या देखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।